आप में से कई लोगों ने वुडपेकर को यू पेड़ में छेद करते हुए तो कई बार देखा ही होगा, लेकिन वुडपेकर आखिर ऐसा करते क्यों हैं? क्या ये ऐसा करके सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं? वेल दोस्तों नहीं, दरअसल वुडपेकर बीटल और चींटी जैसे कीड़ों की खोज करने के लिए पेड़ में छेद करते रहते हैं, जिनको की वुडपेकर खाकर अपना पेट भर सके। साथ ही में दोस्तों इनकी कई ऐसी स्पीशीज भी होती है जो की पेड़ में छेद कर अपना नेस्ट बनाती है ताकि वह उनके आने वाले अंडों को अच्छे से सिक्योर कर पाए, जैसे की ये नॉर्थर्न प्लेकर वुडपेकर। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इनके बारे में बताया जाता है वो है कि ये एक मिनट के अंदर करीब 100 से 300 टाइम्स बार पेड़ में चोंच मार सकती है। और आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इनकी लगी वो है इनके चोंच मार कर ऐसे कम्युनिकेट करना। जी हाँ दोस्तों, वुडपेकर अन्य पक्षियों के साथ कम्युनिकेट करने और अपनी टेरिटरी को एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी चोंच को कुछ इस तरह से पेड़ों पर ड्रम करती है।